लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मां शारदालय मंदिर का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। सुबह 11 बजे केजीएमयू पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, चिकित्सा एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के बाराबंकी जाएंगी। वहां वो किसानों को सम्मानित करेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में मील का पत्थर साबित होने वाले किसान कार्यक्रम में शामिल होंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस चला रही है अभियान। पढ़ाई के दौरान परेशान होने पर छात्र 112 नंबर पर कर सकते हैं फोन। ये अभियान 15 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च 2020 तक चलेंगी, जबकि रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों द्वारा किए गए जनकल्याण के कामों के प्रचार के लिए एक अभियान की योजना तैयार कर जनता को बताएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल प्लाजा पर अगले 15 दिनों तक मुफ्त में फास्टैग मिलेगा। 15 जनवरी से 29 फरवरी के बीच NHAI टोल प्लाजा में फास्टैग लेने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 430 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल भी इसकी सौगात भी देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली दोषी विनय शर्मा की पिटीशन खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने दोषी को मनोरोगी होने का दावा भी खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ गई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जैसे ही सदन में पहुंचे तो सपा और कांग्रेस के सदस्य प्रवेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग करने लगे। उनकी मांग नकारते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नोत्तर काल का समय बाधित करना वरिष्ठ सदस्यों को शोभा नहीं देता। स्पीकर के आग्रह को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस सदस्य बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। बिहार के आरा में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद कन्हैया कुमार मौके से अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए। वहीं इस भगदड़ के दौरान कुछ लोग कार के नीचे आकर कुचल भी गए। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार का नया प्लान, 15 फरवरी से जीएसटी की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरस्वती के इकोना इलाके में पुलवामा शहीदों के नाम पर मोमबत्ती जलाई गई। कैंडल मार्च में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की गई। गाजियाबाद के मंडोला में बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा शहीद को याद किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। वाराणसी में पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के सपूतों को दैनिक गंगा आरती में श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया और दीपदान दिया। पुलवामा हमले में शहीद हुए यूपी के महाराजगंज जिले के हरपुर बेलहरिया निवासी पंकज त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण डीएम ने किया। शहीद पंकज की बरसी पर सीआरपीएफ कमांडेंट फरहाद ने शहीद की पत्नी को 1,27,500 रुपए का चेक भी दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने ताजमहल का दीदार करने आ सकते हैं। ट्रंप के 24 और 25 फरवरी को दिल्ली आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर लखनऊ और आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। शनिवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में ट्रंप के आगरा दौरे की रूपरेखा बनाई जाएगी। व्हाइट हाउस से जुड़े सुरक्षा अधिकारी भी दो बार ताज के विजिट कर यहाँ का जायजा ले चुके हैं। एएमयू में 12 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉक्टर कफील जेल में हैं। डॉक्टर कफील के अधिवक्ता ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनएसए की साजिश रची गई। डॉक्टर कफील हार्ट के पेशेंट हैं। जेल में उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। बदायूं में मुस्लिम परिवारों में CAA NRC के समर्थन को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने जनसंपर्क किया। साध्वी इलाके में कई गांव में नुक्कड़ बैठक में लोगों को CAA के बारे में जानकारी दी। कानपुर में डीएम और डीआईजी ने जिला कारागार में अचानक आधी रात में छापेमारी की। रात में औचक निरीक्षण से जेल में हड़कंप मच गया। जेल के सभी बैराक हाई सिक्योरिटी सेल की तलाशी ली गई। इस दौरान अधिकारियों ने जेल में बंद हार्डकोर क्रिमिनल से भी बात की। छापेमारी के दौरान जिले के सभी SP 5 CO और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में डॉक्टर की लाश उनके घर में बरामद की गई। मामले में फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सारस्वती में एक घंटे के भीतर दो अलग अलग सड़क हादसे हुए। दोनों हादसे में कार और ट्रॉली की टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बैंक मैनेजर समेत दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। गाजियाबाद में 8वें फ्लोर से 12 साल का बच्चा गिर गया। घटना के वक्त परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद की घंटाघर पुलिस से चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 10 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। हापुड़ में चोरों ने किराना स्टोर में घुसकर चोरों ने गुटके की बोरी चोरी की। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदायूं में गैंगवार की वजह से कासिम की अज्ञात बदमाशों की हत्या। हत्या के बाद भारी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर पहुंचे। वहीं कई थानों की पुलिस फोर्स भी जिला अस्पताल के बाहर मौजूद रही। कन्नौज में एक दोस्त शिवम ने दूसरे दोस्त अभिषेक का अपहरण कर मांगी फिरौती की रकम। धमकी भरा वीडियो रिकॉर्ड करने से रोकने पर उसकी हत्या भी की। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के बड़ौत इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने लोगों की मदद से आग बुझाई। इससे पहले के संदिग्ध परिस्थितियों में कई बार आग लगने की घटनाएं इलाके में सामने आ चुकी हैं। अमरोहा में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक अनियंत्रित होकर ट्रॉली से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकासनगर में अनियंत्रित एक ट्रक घर में घुस गया। ट्रक जड़ी बूटी से भरा हुआ था, जिसे रामनगर लेकर जाना था। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरठ में NH 58 दौरौला फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। हरदोई के सांडी ब्लॉक में पक्षी विहार में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। पक्षी महोत्सव की शुरुआत 2 साल पहले डीएम पुलकित खरे ने 2 साल पहले की थी, जो हर साल मनाया जाता है। पक्षी महोत्सव में पक्षी प्रेमियों की भीड़ देखने को मिलती है।
प्रतापगढ़ के एक प्रसिद्ध होटल में वैलेंटाइन डे पर एंटी रोमियो प्रभारी प्रीति देवी ने होटल में बैठे हुए ग्राहकों से परिचय पत्र मांगा, जिसके बाद होटल प्रबंधक आशुतोष यादव और भाजपा नेता और होटल मालिक सुनील गोयल ने एंटी रोमियो प्रभारी के व्यवहार पर विरोध जताया। कहासुनी होने पर बीजेपी नेता ने मामले की शिकायत एडीजी और प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी से की। सीतापुर में डीजी जेल आनंद कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। डीजी ने 3 घंटे के निरीक्षण के दौरान पुरुष और महिला बैरिकों का सघनता से निरीक्षण किया और कैदियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं और खान पान की स्थिति की जानकारी भी ली। ललितपुर में बीते दिनों पत्थर व्यापारी के हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। व्यापारी की पत्नी ने ही अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात के गांव मंगटा में आगजनी और बवाल के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गठित कमेटी गांव का जायजा लेने पहुंची। कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम ने दलितों के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मसूरी में एबीवीपी के लोगों ने पुलवामा शहीदों को याद किया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी। हरदोई पुलिस ने पकड़ी प्रतिबंधित ऑक्सीजन की दवाइयां। 36,000 रुपए की कीमत की प्रतिबंधित ऑक्सीटीन के 24,000 कैप्सूल के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। उत्तर भारत में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में पिछले 4 महीनों में संविदा कार्यक्रमों को नहीं मिल रहा। कर्मचारियों ने मामले की जानकारी निदेशक को दी। वहीं संविदा कर्मियों का आरोप है कि पीजीआई संस्था में एक ही ठेकेदार को हर साल ठेका दिया जाता है, जिससे वह संविदा कर्मियों का शोषण करते हैं और वेतन भी नहीं देते। लखनऊ के हजरतगंज में सर्विस सेंटर में चोरी हुई बाइक। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महोबा में गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने पुलिस पर एक पीड़ित परिवार का मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। बहराइच में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली में छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर से गायब हुए 1100 मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को लौटाया गया। इससे पहले भी सर्विलांस टीम ने 2000 से ऊपर मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस किया था। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। विधायक द्वारा यह कार्यक्रम हर महीने अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाता है। इलाहाबाद मंडल के रेलवे महाप्रबंधक ने बांदा रेलवे स्टेशन परिसर में बने चिकित्सालय में आए नए स्वास्थ्य उपकरण का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही स्टेशन का निरीक्षण कर जानकारी ली। लखीमपुर खीरी में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बढ़ावा देने को लखीमपुर तहसील को ISO 14001 प्रमाण पत्र मिला, जिसके बाद ये प्रदेश के प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली तहसील हो गई है। वहीं SDM डॉक्टर अरुण ने बताया कि पहले भी तहसील को ISO 9001 प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिसके बाद इसे पर्यावरण संरक्षण का दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया। रामपुर में IIT कानपुर में आए वैज्ञानिकों की टीम ने नंदपुर गैबुआ गांव में 515 साल पहले आए भूकंप के प्रमाण मिलने का दावा किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1505 में रिक्टर पैमाना 7 या 7.5 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिससे काफी तबाही हुई थी। उत्तराखंड में हरीश रावत ने ट्वीट करके बीजेपी पर प्रदेश में
अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। जवाब में बीजेपी मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने भी हरीश रावत के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। अक्षय कुमार इस साल एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी अक्षय की झोली में सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, अतरंगी रे, धूम 4 और बेल बॉटम जैसी फिल्में हैं। इन फिल्मों के अलावा अक्षय के हाथ एक और बड़ी फिल्म लगी है। इस बात की जानकारी अक्षय कुमार ने खुद अपने सोशल अकाउंट से अपनी अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए दी। इरफान खान स्टारर फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर आ चुका है, जिसे वह राधिका मदान के साथ नजर आ रहे हैं। राधिका उनकी बेटी के किरदार में नजर आ रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत स्कूल के सीन से होती है, जहां बच्चों को फेलिसिटेट किया जा रहा है। अंग्रेजी मीडियम सुपरहिट हिंदी फिल्म मीडियम का सीक्वल है, जो 20 मार्च 2020 को रिलीज होगी।